मैंने वही सवाल आपसे दोहराना चाहता हूं जो जितेंद्र जी से मैंने पूछा था कि अजय सिंह और जो उमंग सिंगार जो किसी समय जो है एक तरह से चाहे कमलनाथ का बयानवार कहूं और उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह के बीच में बयानवार हुए थे, आपने भी देखा होगा, तो क्या इनको एआईसीसी में एडजस्ट कराकर यहां से मुक्ति दिलाने का निर्णय तो नहीं होगा? देखिए बिल्कुल जैसा मैंने आपको मतलब चर्चा जिस तरह की चर्चा है कि दिग्विजय सिंह, देखिए जब आपको आप थोड़ा दो साल पीछे जाइए, जिस तरह जब जो कैबिनेट गठन हुआ था कमलनाथ जी का, पहला ऐतिहासिक तौर पर जो है वो सारे मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था, और वो चर्चा यही रही थी कि केवल राजवर्धन सिंह के जयवर्धन सिंह जी के लिए ही ये सब पूरी कवायद हुई थी। महापौर के मतलब अगर भोपाल नगर निगम के दो हिस्से करने की बात हुई थी तो वो भी कहीं ना कहीं उस परिवार से जुड़ा मसला था। तो निश्चित तौर पर अब भी चूंकि अब बात हो रही है कि मैं जयवर्धन सिंह जो है वो अगर कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व करते हैं तो निश्चित तौर पर जब ये बात उठेगी, क्योंकि एक तरफ नकुल नाथ जी जो है अपने आप को युवाओं का नेता कह चुके हैं, तो ऐसी जो तमाम जो चीजें हैं या तो इन सब तमाम चीजों को दरकिनार करके और एक बार फिर से आप जो नया स्वरूप संगठन का पैदा करता है मध्य प्रदेश में बहुत संबंधित दिखना चाहिए। और अगर इस तरह की गुटबाजी और नया बटे या बयानबाजी अगर जारी रहती है तो निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां आनी है वही आगे भी नजर आएंगी। जी जी ठीक बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि।